अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी एजुकेटर। माय नेम इज़ सबीन, आई एम टेकिंग योर मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, आज आपको मैं बताऊंगी कि आपको अपना काम नोटबुक में किस तरीके से करना है। इट इज़ योर नोटबुक। ठीक है, अपना नेम मेंशन करना है, क्लास एंड सब्जेक्ट। इसके बाद आपको इंडेक्स बनाना है। ठीक है, साफ सुथरे राइटिंग में इंडेक्स कम्प्लीट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाना है। फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोगों ने डेटा बनाना है, यूनिट नंबर 1, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसके बाद जितनी एक्सरसाइज आप इस कॉपी में करने वाले हैं इस डेटा इस यूनिट से रिलेटेड, वो इस बॉक्स में आप पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास में जो आपका काम आपको वर्कबुक में दिया गया है, वो काम आपको आपके नोटबुक में डन करना है। हेडिंग डालनी है, सब टॉपिक की हेडिंग डालनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस द नंबर्स इनटू द प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। स्टार्ट विद राइट हैंड, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पुट करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट दिस नंबर एज वर्ड्स। ये आपके पास नंबर दिए गए हैं, इसे वर्ड्स में कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट दिस वर्ड्स एज नंबर्स। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसे कन्वर्ट करना है नंबर्स में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 100 मिलियन एज अ नंबर्स। 100 मिलियन को एज अ नंबर्स आपको इस बॉक्स में पुट करना है। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको ऑन सेल्फ खुद कंप्लीट करना है। इट इज़ योर टेक्स्ट बुक। इसी से रिलेटेड आपके पास चंद एक्सरसाइज है जिसका काम आपको कंप्लीट करना है। इसकी 3 एक्सरसाइज हैं जो इससे रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज 1 जो पेज नंबर 4 पे मौजूद है, एक्सरसाइज 1 का काम आपको अपनी नोटबुक में मुकम्मल करना है, क्वेश्चन उतारने हैं। ठीक है, चाहे तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, काम हाईलाइट भी हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी रहेगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 2 स्टार्ट लेनी है। इसके तमाम क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में मुकम्मल करने हैं। यह आपको नंबर्स दिए गए हैं, इसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 2 यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में जिन डिजिट्स के नीचे अंडरलाइन मौजूद है उनकी आपको वैल्यू लिखनी है, नंबर्स में भी और फिगर्स में भी। थैंक यू सो मच।